उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा पहाड़ों पर सियासी गर्माहट देखी जा रही है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी भी सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 5 साल पहले जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए। सोमेश्वर के मटीला गांव के लोगों का कहना है कि उनका गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण हताश है। ये है सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र का मटीला गांव। इस गांव की समस्या भी राज्य के दूसरे गांव की तरह जटिल है। ये गांव भी सरकारी उपेक्षा का शिकार है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं से गांव के लोग महरूम हैं। लेकिन अब मौका चुनाव का है तो एक बार फिर यहां सियासी दलों की चहलकदमी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यहां वादों के मुताबिक विकास कार्य धरातल पर नहीं हुए, जिसे लेकर लोगों ने भारी नाराजगी भी जताई। वोटिंग का टाइम होता है तभी आते हैं, वोटिंग के बाद उनका इस इलाके से कोई वो नहीं रहता है। रोड की बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ी हारी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी घर में है नहीं, दूर दूर से लेके आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनके मुताबिक इस गांव में कई घर ऐसे हैं जिनमें शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 5 सालों में ना तो किसी दल ने और ना ही किसी नेता ने उनकी सुध ली। यहाँ तक कि जब वो अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिले तो उन्होंने भी आंखें मूंदी रखी, और अब जब चुनाव है तो एक बार फिर सियासी दलों की ओर से वादों की लंबी फहरिस्त गिनाई जा रही है। पहली बात तो हमारे वहाँ टॉयलेट नहीं है, फिर हमारे वहाँ रास्ते टूट जाते हैं, तो हम स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम बहुत दिनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है। मैं इस बीच लगातार क्षेत्र में भ्रमण पे हूँ, लोगों का बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हम लोग अपने सरकार के जो उपलब्धियां और तमाम जो विकास योजनाएं चला रखी उनको लेके हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मटीला गांव में अच्छी खासी आबादी रहती है। ये क्षेत्र फल पट्टी के तौर पर भी जाना जाता है। यहां सेब, नाशपाती जैसे फलों की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन अब तक यहां बाजार की उपलब्धता नहीं हो पाई है। जो भी हमारा नाशपाती, सेब, खुमानी, पुलम, चुहारो जो भी होता है ये हल्द्वानी मंडी जाता है, और एक खाली पेटी की ही कीमत हमें 100 रुपया देनी पड़ती है, खाली बारदाने का ही पड़ता है, और हमें उचित भाव नहीं मिल पाता है। मटीला गांव के लोगों के मुताबिक बीते सालों में इस गांव की ना तो तस्वीर बदली और ना ही उनकी तकदीर बदली। ऐसे में यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि एक बार फिर जन प्रतिनिधि चुनने की बारी जनता के हाथों में है, लिहाजा यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।